All right, shifting focus in crisis in the beautiful town of Joshimath. Residents have been forced out of their homes in the harsh and bitter cold. Now, the town has been declared a landslide and subsidence hit zone. The authorities have jumped into action, a team of experts being sent by the centre to Joshimath to assess the situation. Now, meanwhile, Shankaracharya Avimukateshwara Ananda Saraswati, the petitioner in the Supreme Court, has blamed rampant blasting and the use of heavy machinery in the region for the crisis. Joined by Shankaracharya Avimukateshwara Saraswati. Sir, aap yahan pura daura kar rahe hain, aap pura dekh rahe hain, rehabilitation, evacuation, sab aap dekh rahe hain. Kya situation dekh rahe hain abhi? Aur aapne aaj aapka jo case aapne Supreme Court mein dala tha, uspe bhi shayad aaj hearing ho ke sunwai ho, kya umeed hai? देखिए, यहाँ पर जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आपका तो कैमरा देख रहा है, वो तो झूठ नहीं बोलता है. परिस्थिति बहुत ही विकट है और एक पूरी सभ्यता, पूरी एक संस्कृति, पूरा एक नगर नष्ट होने के कगार पर है. अब समस्या ये है कि हमारी जिद है कि हमें परियोजना चाहिए, तो परियोजना चाहिए, या तो आप परियोजना लेकर के रख लो और या तो ये सभ्यता संस्कृति लेकर के रख लो. अब तो हमको एक चुनने की परिस्थिति आ गई है, हम दोनों को एक साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे. सर, विकास या फिर प्रकृति या फिर आपका जोशीमठ है? विकास तो चाहिए जी, लेकिन ये तथाकथित विकास नहीं चाहिए जो विनाश के असल में तो विनाश हो और नाम उसका विकास हो. हमको ऐसा विकास चाहिए जो सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक चले, करीने से गढ़ा जाए. आप अंधाधुंध ब्लास्टिंग कर रहे हो, अंधाधुंध आप मशीनों को लेकर के आ गए हो, आपको परवाह ही नहीं है कि पहाड़ का क्या होगा. ये वाला विकास हमको नहीं चाहिए. हमको रातों रात जादू की छड़ी से विकास नहीं चाहिए. हमको करीने से धीरे 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 करते हुए कुछ कर दीजिए, अच्छा है. यहाँ के लोग सर, ब्लास्टिंग को जो आपने भाई बात की, ब्लास्ट हो रहे हैं, यहाँ के लोग ब्लास्टिंग को एक बहुत बड़ी जिम्मेदार मान रहे हैं जो जोशीमठ के. तो यहाँ के लोगों के अलावा और कौन सच्चाई कह सकता है? यहाँ के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भोग रहे हैं, इसलिए यहाँ के लोग जो कह रहे हैं वो प्रमाण है. विशेषज्ञ अपनी आख्या अलग ढंग से देंगे, वो उनको लिखना पढ़ना आता है, लेकिन जो सच है वो तो ये कह रहे हैं. ये जो कुछ हो रहा है ये सब ब्लास्टिंग का नतीजा है. Fall of gloom has enveloped Joshimath, with residents forced to vacate houses that they built with difficulties and have been living in those houses since childhood. Many houses in Joshimath have been marked with a red cross. Take a look at this report. दो तारीख से तीन तारीख तक ये खतरा हो गए, पूरे दरार आ गए हमारे मकान पर. अब कहाँ जाऊँ? सरकार ने बोल दिया खाली करो वहाँ. आज हम खाली कर, लाल निशान लगा दिया, आज खाली कर रहे हैं. आज खाली कर रहे, वो लाल निशान लगा दिया. कल को इंशाल्लाह पूरी मकान नीचे चल जाएंगे, तो कहाँ जाऊँ? हमारा सामान तो बचेगा थोड़ी, कहाँ जाऊँ हम, क्या करो? इतनी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल से बनाया हमने मकान, कैसे कैसे कहके बनाया, अब क्या करो, क्या ये मुश्किल हो गई. Residents of Joshimath are leaving their houses which are there in the danger zone, and you can see that how the SDRF is helping all these people to pack their belongings, and the team of SDRF and the administration is over here at the ground, and the houses which are marked with red as the danger zone, people are leaving those houses. Everything is being recorded over here. The officials are here, and hence we see that how exactly the officials are ensuring that nobody lives in the danger zone. We have the officials of SDRF. Sir, jitne bhi ghar हैं यहाँ पे, जिन जिन पे लाल निशान है, आप लोग हम देख रहे हैं, खुद मदद करें लोगों की निकालने में. कितने मकान अभी तक आपने खाली करा दिए हैं डेंजर जोन वाले? अभी तो सर इस जो सिंगधार में हमने कम से कम 30-40 मकान खाली कर दिए हैं जी, और उन्हें ऊपर सुरक्षित स्थानों में वो कर दिया है. तो जैसे यहाँ से लोग जा रहे हैं, सामान जितना ले जा सकते उतना ले जाने दे रहे हैं आप? अभी जो जरूरी सामान है और वो ले जा रहे हैं सर ऊपर, और बाकी यही शिफ्ट कर रहे हैं. अच्छा, तो जितना SDRF की टीम लोगों के पास जा रही है, जो जो घर खाली करने का था, आज ज्यादातर आपको लगता है घर खाली हो जाएंगे? आज सर हो ही रहे पर डे 12-15 के हिसाब से करें जी सर. दे यू हर्ड में लगी हुई हमारी अलग अलग जो होगी और लगातार चाहिए. तो दे यू हर्ड द ऑफिशियल फ्रॉम द SDRF, एंड दे आर इंश्योरिंग दैट नोबडी लिव्स इन द डेंजर जोन, एंड दे आर टॉकिंग टू द रेजिडेंट्स ओवर हियर दैट इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन दीज हाउसेस बिकॉज एनी मोमेंट दे कैन कोलैप्स. दे आर ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स. अ ह्यूज क्रैक्स हैव डेवलप्ड ओवर हियर, दीज क्रैक्स ओवर हियर. दिस पर्टिकुलर हाउस व्हिच सीम्स टू बी न्यूली बिल्ट, it has developed a huge cracks, and that it's moving towards that side, and hence if you see towards that side, that particular house is also marked with a red color, so that means that it's a danger zone, and hence the vacation process, everybody should leave these houses and move to a safer zone.